अब देखिए प्रश्नावली 2.4 पढ़ने से पहले गुणनखंड प्रमेय आपको पता होना चाहिए। देखिए यदि पी एक्स घात एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि एक के बराबर या एक से बड़ा, क्योंकि एन प्राकृत संख्या है, वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अपन ने पढ़ी, सारी संख्या आ जाती है इसमें ना। तो पहला एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर जीरो, यानी कि ये जो अपने पास मान दे रखा है इसका शून्यक निकालेंगे और इसमें रखेंगे। यदि जीरो आ जाता है तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। सेम टू सेम देखिए उल्टा दे रखा है यहाँ पे, पी ए बराबर जीरो होता है यदि एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यदि गुणनखंड होगा तो अपन इसके बराबर में जीरो रख सकते हैं, और यदि जीरो प्राप्त हो जाता है शेषफल, जैसे शेषफल प्रमेय से भी अपन ने देखा था, तो भी वो उसका गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। अब किसका गुणनखंड है ये चेक करने के लिए देखिए इसको मैं व्यवस्थित हल कर देता हूँ। माना कि इसको बहुपद मान लेते हैं अपन पी एक्स, है ना, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन इसका शून्यक निकाल लेते हैं, है ना। का शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक एक्स प्लस वन इक्वस टू जीरो। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एक्स बराबर माइनस वन, है ना, इसको इधर लिया अपन ने तो माइनस हो गया। अब ये जो माइनस वन आया ये यहाँ पर रखकर चेक करते हैं, यदि जीरो प्राप्त हो जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए पी माइनस वन इक्वस टू ये माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर 2 प्लस माइनस वन और ये प्लस वन, है ना। जहाँ एक्स है वहाँ पर मैंने क्या रखा, माइनस वन, और ये प्लस यहाँ पर था, ठीक है। तो पी माइनस वन इक्वस टू माइनस वन की पावर 3, इसलिए माइनस वन ही रहेगा, और ये प्लस है और ये माइनस वन की पावर 2 है, इसलिए ये क्या है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस वन। तो देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, तो पी माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार एक्स प्लस वन बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्लियर है। सेम देखिए यहां पर माइनस वन पुट कर देते हैं सभी में, ये माइनस वन की पावर 4 प्लस माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस वन इक्वस टू माइनस वन की पावर 4, तो प्लस का वन हो जाएगा, 3 पावर है तो माइनस का वन हो जाएगा, है ना, या 2 पावर है इसलिए प्लस का वन हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस वन। तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, लेकिन ये बच गया यहाँ पर पी माइनस वन इक्वस टू वन। अब देखिए यहाँ पर जीरो प्राप्त हुआ क्या आपको, नहीं हुआ, जो कि बराबर नहीं है जीरो, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं। इसी प्रकार अपन ने ये तीसरा भाग हल किया, देखिए ये शून्य क्या प्राप्त हुआ, माइनस वन, ये सब जगह रखा मैंने, यहाँ पर भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार चौथा भाग सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पर आपको पता है शून्य माइनस वन ही आना है ना, तो माइनस वन रख दिया जहाँ पर एक्स था वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पावर 3 है इसलिए माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले या तो ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, है ना, और ये प्लस टू। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, देखिए माइनस टू और ये प्लस टू कैंसिल हो गए, ये एक रूट टू और एक रूट टू, है ना। आप चाहे तो यही जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएंगे, 2 रूट टू, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः एक्स प्लस वन एक का गुणनखंड है, अपन ने देखा पहले में तो आया था, परंतु दूसरे तीसरे और चौथे का गुणनखंड नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स यानी कि ये पी एक्स यानी कि ये का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए वही सेम प्रोसेस अपन जो हल करते हुए आ रहे हैं, हल यहां पर इन्होंने दिया है इसलिए दिया है लिख देते हैं,
एक्स इक्वस टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1। और इसका शून्यक निकाल लेते हैं, जी एक्स एक्स प्लस वन का शून्यक। अब आपको पता है इसके बराबर में जीरो रखेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन है ना, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, अब -1 अपन पी एक्स पूरे इस बहुपद में रख देते हैं। तो देखिए पी -1 इक्वल्स टू 2-1³ प्लस -1² प्लस 2-1, सॉरी यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, और ये एक्स की वैल्यू -1 और ये -1। ठीक है, तो पी -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 और ये 1³ है ना, तो ये -1 ही रहेगा, और ये 2 है पावर इसलिए ये +1 हो जाएगा, या माइनस। तो देखिए माइनस माइनस गुणे में क्या हो जाता है, प्लस, 2 एकम 2 और -1। तो पी -1 इक्वस टू, देखिए यहाँ गुणा कीजिए तो ये -2 हो जाएगा है ना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, 2 एकम 2 माइनस का, और ये +1 +2 -1। तो देखिए -2 और +2 ये कैंसिल, +1 -1 ये कैंसिल, तो पी -1 इक्वस टू क्या आ गया, 0। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्लियर है, क्योंकि 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां पर सेम दिया है, पी एक्स इक्वस टू 1³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस टू है ना। अब एक्स प्लस टू का शून्यक निकाल लीजिए ना, इसका यही डायरेक्ट लिख देता हूँ, का शून्यक। अब देखिए शून्यक निकालना आप सीख गए होंगे, इसके बराबर में अपन क्या रखते हैं, 0, तो ये बराबर से इधर लेंगे -2 हो जाएगा ना, तो -2 होगा। अब -2 रख देते हैं, देखिए पी -2 इक्वल्स टू -2³ है ना, यहाँ पर 3 है, फिर प्लस 3 x² यानी -2² प्लस 3 एक्स की वैल्यू -2 और +1। अब सॉल्व कर लेते हैं, पी -2 इक्वल्स टू देखिए 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई, माइनस सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 बार लिखेंगे माइनस हो जाएगा वापस, ये 8 हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और देखिए ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसलिए -3 दूनी 6 + 1, तो पी -2 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस वाले आप जोड़ लीजिए चाहे तो, या फिर इन दोनों को जोड़ना घटाना कर लीजिए ना, जैसा आपको उचित लग रहा है। तो यहाँ से देखिए 12 में से 8 कम किए तो 4 बचेंगे, फिर यहाँ पर 6 में से 1 कम करेंगे तो -5 बचेगा, तो पी -2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 है ना, 5 में से 4 कम करेंगे जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जी एक्स पी एक्स है ना, आप चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं, का गुणनखंड नहीं है, है ना। तीसरा भाग का हल, यहाँ पर क्या दिया है, पी एक्स आपको x³ -4x² प्लस एक्स प्लस 6, और जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस 3। अब एक्स माइनस 3 का शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक निकाल लीजिए है ना, इसके बराबर में 0 रखेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3 है। ठीक है, तो इसका शून्यक अपन यहाँ रख कर देखते हैं, है ना, जहां एक्स मैं 3 रख रहा हूं,
तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई है ना, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस ये 4 गुणित, 2 बार लिखेंगे तो 9 हो जाएगा है ना। आप चाहे तो 4 नमे की डायरेक्ट 36 भी कर सकते हैं ना। फिर +3 और +6, अब P3 = अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इस 6 को कम कर दीजिए, 30 बचेगा है ना, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 30 बचेगा है ना। कैसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़िए 30 हो जाएगा, और 36 में से 6 कम करेंगे तो -30 हो जाएगा है ना। तो ये P3 = क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अनुसार GX PX का एक गुणनखंड है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में X-1 PX का एक गुणनखंड हो। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय में यदि ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका शून्य किसके बराबर रखेंगे अपन, 0 के बराबर। तो देखिए यहां पर हल करते हैं हल, क्योंकि X-1 PX बराबर X² + X + K का गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका शून्य क्या आएगा, देखिए इसके बराबर में 0 रखेंगे 1 आएगा है ना। तो यहां पर अपन क्या हो जाएगा, P1 = 0 होगा है ना। इसका शून्यक रखेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, तभी वो उसका गुणनखंड होता है ना गुणनखंड प्रमेय से। तो देखिए यहां पर 1 रख देते हैं अपन, तो देखिए ये P1 = 1^2 + 1 और + K। अब देखिए P1 कितना है, 0 होगा है ना, तभी वो उसका गुणनखंड है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 + K, तो ये हो जाएगा 1 n 1 2 + K। इस 2 को उधर ले लो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये K है ना। या फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं K = -2, और यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अतः करके भी आप लिख सकते हो। अब देखिए सेम यही प्रोसेस यहाँ पर, देखिए 2 1 = 2 पक्षांतर करके उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है प्लस, √2 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा के। अब आप चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बाहर करोगे तो 2 + √2 आ जाएगा है ना, = K, दोनों सही है ना। तो अतः के बराबर हो जाएगा -2 + √2, और यही क्या हो गया इसका, देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस, क्योंकि X-1 PX = KX²-√2X+1 का गुणनखंड है, इसलिए इसका शून्य क्या निकलेगा, 1, तो P1 = किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। देखिए इसका शून्य यहाँ पर रखते हैं अपन, P1 = ये K 1^2 - √2 और 1 + 1 है ना। तो ये P1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये K से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो K ही आना है, क्योंकि घात 2 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और -√2 हो जाएगा और +1, अब इनको उधर ले लीजिए है ना, तो ये माइनस है, पक्षांतर करके इधर लोगे तो +√2 हो जाएगा है ना, और ये प्लस है उधर लेंगे तो -1 हो जाएगा ना, इसको भी उधर ले रहे हैं और इधर के, तो अतः इसको जमा लीजिए आप है ना, अतः के बराबर आ जाएगा √2 - 1, और ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ तक तो सेम प्रोसेस, अब जो अपना शून्य है वो इसमें रख देते हैं, तो P1 = ये के है, ये एक्स है, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो इसकी power 2 - 3, और यहाँ पर भी 1 + K। तो देखिए ये क्या है अपने पास, 0, ये K, यहाँ पर गुणा करेंगे तो K ही आना है ना, -3 = 3 + K। अब देखिए K अपने पास 2 बार है,
ये भी एक के, ये भी एक के जुड़ जाएंगे तो ये दो के हो जाएंगे, माइनस थ्री। अब थ्री को आप उधर ले लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा टू के। अब देखिए ये गुणे में है, दो कहाँ चले जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बटे में, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू के, या करके या तो के बराबर 3/2, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है।